तो हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईटेटी टेक। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि नेट रिजल्ट हाल ही में लग चुका है कल के डेट में, तो दोस्तों उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों जो नेट रिजल्ट था बहुत ही काफ़ी डिले हुआ, यानी कि बहुत ही हमें लग रहा था कि कल आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो मेरा नाम दुर्गेश चौरागढ़ है और मैं जो है एक आई टी पास आउट स्टूडेंट हूँ, जो कि इसी साल मेरा आई टी पास आउट हुआ है और मैं जो है इसी साल अप्रेंटिस जो है मुझे एमएससी के ऑफिस में अप्रेंटिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो बात है जो रिजल्ट की, इसलिए मेरे लिए खास है क्योंकि जो है मैं 2 साल बाद अपनी फील्ड छोड़ के इंजीनियरिंग फील्ड में घुस के वापस से मैं अपने मैकेनिकल फील्ड से इलेक्ट्रिकल टेक्निकल फील्ड से वापस से मेडिकल फील्ड में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी है। तो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले थोड़ी जब डिटेल जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों जो मेरा जो है मेरा आईटीआई जो है 2019 से लेकर 2021 में होता, लेकिन कोरोना के कारण 2022 में हमें टाइम लग गया रिजल्ट आने और पेपर भी काफ़ी लेट हुए थे। तो दोस्तों उसी के कारण जो है अपना ये जो मेरा आईटीआई का भी जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छा स्कोर है, 94 एग्रीगेट है मेरा 2 सालों का, यानी कि फर्स्ट ईयर में 94 थे और सेकेंड ईयर में 93 थे, यानी कि जो मेरा परसेंटेज था बहुत ही अच्छा खासा था। और जिसके कारण मैं उतना पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्टेड भी है, मुझे पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ मुझे एडिटिंग का शौक है, यानी कि जो वीडियो क्रिएटिंग करना ये सब कुछ मेरा पैशन है। तो दोस्तों इसमें मैंने जो है बोला ठीक, जो नीट के फॉर्म लिख लेते, जब नीट का फॉर्म जो है मैंने फिल किया था वो भी लास्ट तारीख को उसी तारीख को मैंने अपने नीट का फॉर्म फिल किया था, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि देख के देख, क्योंकि मेरे पास मेरा रिजल्ट अप्रैल को आ चुका था और मेरे पास कुल 3 महीने खाली थे। तो दोस्तों रिजल्ट के भी अपना नीट की भी एग्जाम होने 3 महीने बाकी थे। तो दोस्तों उसमें मैंने जो है अपना नीट की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दिया फॉर्म भरने के बाद। तो दोस्तों मैंने नीट की प्रिपरेशन चालू कर दिया, तो मैंने नाई कोचिंग लगाई थी, नाई कुछ लगाया था मैंने सिर्फ ओनली अपना जो यूट्यूब अनअकेडमी के जो है, यानी कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उन 3 सब्जेक्ट में से मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा है इन 3 महीने, यानी 2.5 महीने में, क्योंकि मैं आधे दिन तो अपने जो रिश्तेदारी की शादी आगे रखी है वही मैंने अटेंड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने 2.5 महीना अच्छे से पढ़ा है, 2.5 महीने में मैंने अपना ना ही मुझे 11वीं 12वीं का कुछ पता था, लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब के द्वारा मैंने यूट्यूब का सही उपयोग करके पूरे अपने जो पढ़ाई के चैप्टर्स है उनको कंप्लीट किया, रिविज़न किया, पेपर प्रैक्टिस किए और नोट्स बनाए, उसके बाद एनटी के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए, और उसमें मैंने अपना जो है नीट में 2022 का जो रिजल्ट लगा है, यानी कि जो मेरे ख्याल से मेरी जो रैंक आई है और जो मेरे 2 महीने की मेहनत से वो काफ़ी अच्छी है। यानी कि दोस्तों लोग 2-2 साल करने के बाद भी उन्हें 200 कुछ मार्क आते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जो 2 महीने में किया उसमें मुझे 197 मार्क ऑप्टेन, यानी कि लगभग 200 मार्क मुझे मिले हैं। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं जो है अपनी आईटी अप्रेंटिस अभी फिलहाल कर रहा हूँ, और आईटी अप्रेंटिस के साथ साथ मैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आईटी अप्रेंटिस करता हूँ, और उसके बाद दोस्तों जो मेरे पास फ्री टाइम रहता है, यानी कि 5 बजे से 7 बजे तक मेरे पास 8 बजे तक फ्री टाइम रहता है, उसमें मैं अपना जो मैं मूड वगैरह फ्रेश कर लेता हूँ, दोस्तों से मिल लेता हूँ, उसके बाद 8 बजे से रात के 12 बजे तक कंटिन्यू मैं अपना जो है लेक्चर अटेंड करता हूँ। यानी कि दोस्तों मैं वापस से फिर से नीट की भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही साथ अप्रेंटिस भी कर रहा हूँ, यानी कि दोस्तों मेरा दोनों काम हो रहा है, इसलिए मैं जो है अपना जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में भी देता हूँ, जैसे कि आपको वीडियोस में दिखता है कि जो मैं ऑफिस में 1 घंटा या 1.5 घंटा रोज़ पढ़ लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर मेरा जो है अभी अगर मेरा 2023 में भी अच्छा कट ऑफ हो जाता है, यानी कि मेरा BA भी मिलते हैं मुझे, तो मैं उसके लिए करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरा जो 1 साल है यहाँ पे बर्बाद नहीं होने लगे, क्योंकि मेरा अप्रेंटिस भी हो रहा है, साथ ही साथ अगर मेरा नहीं भी लगता तो मेरा है बाकी अप्रेंटिस तो चलूँ ये मेरी, यानी कि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं वाला है। तो आई होप दोस्तों मेरा जो रिजल्ट है आपको अच्छा लगा होगा, 197 मार्क्स, यानी कि 2 महीने में सिर्फ 197 मार्क्स आए, देखते 1 साल में कितने आते हैं। तो मेरा जो रिजल्ट है आपको तो बता ही दिया, 197 आया। आई होप दोस्तों आपने भी नीट की एग्जाम दिए होंगे, अगर आप भी पाए जो भी ये नीट एस्पिरेंट है वो भी देने वाले हैं, तो आपको एक ही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन का NCERT पढ़िएगा, NCERT से ही सब कुछ आता है, जितनी ज़्यादा बार आप NCERT पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में घुसते जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ आता आप उसे छोड़ देंगे, तो आप उसे कंटिन्यू रखें, जिससे आपका जो है जो काम नहीं होता बोलते हैं ना, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल, और वो सब कुछ पॉसिबल होता है। तो आई होप दोस्तों आप भी लगे रहे और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल आईटीटी टेक के साथ।